यार और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यार, इतना मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं देते ना, बहुत तकलीफ होती है। अरे लोगों को कितना यूज करना है करने देना, अपने अंदर टैलेंट भरा हुआ है, कहीं से ना कहीं कुछ जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन मत ले यार। अरे टैलेंट की बात सही है, लेकिन अगर टैलेंट भी सही वक्त पर इस्तेमाल ना हो ना, वो बेकार चला जाता है। और ये लोग साला हमारा कितना टाइम वेस्ट करेंगे यार, अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो हम कैसे अपना ये गोल अचीव करेंगे। अरे डोंट वरी ब्रो, हार्ड वर्क नेवर फेल, तू समझा? अच्छा साला यहाँ हमारा पैसा डूबा हुआ है और तू यहाँ इंग्लिश कोर्स झाड़ रहा है। अरे यार रुक, मैं अभी फोन लगाता हूँ मैनेजर को। हेलो हेलो। अरे सर आपने बोले थे कि काम खत्म होने के बाद तुरंत पैसा मिल जाएगा, पर अब भी चले गए, पैसे भी नहीं दिया और कुछ बताया भी नहीं। सर हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है और अभी के अभी पैसे चाहिए सर, अब कहीं से भी ला के दो सर, अभी चाहिए पैसा। हाँ एक घंटा रुक जा। क्या? आके देता हूँ। ये साला फोन कट कर दिया यार। क्या बोला क्या उसने? अरे बोल रहा है और एक घंटा रुकने के लिए यार। नहीं भाई एक घंटा हम वेट नहीं कर सकते, जिसको पैसे देने होते हैं ना वो ऐसे लटकाते नहीं है। चलो मुझे नहीं रुकना, चलो। पर और थोड़ा टाइम रुक जाते ना यार, पैसे लेके निकल जाएंगे। अरे यार मेरा मम्मी का कॉल आ रहा है, समझता नहीं है तू। चलो बीच पे चलते हैं, चलो। क्या यार तुझे सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं? अरे भाई मुझे क्या पता था कि ऐसे निकलेगा, मैंने तो ये बात भी किया था कि अपना काम खत्म होने के बाद पैसा चाहिए, उसने हाँ भी बोला और वो जानबूझ के चला जाएगा तो मैं क्या करूँ। देख तू टेंशन मत ले, कल पैसा मिल जाएगा ना यार, कहीं नहीं जाएगा पैसा। अरे कल की छोड़, ये बता कि आज क्या खाएगा क्या पिएगा। अरे तू बिल्कुल टेंशन मत ले, ऊपर वाला है ना अपने साथ, सब सही हो जाएगा। अच्छा ऊपर वाला है। चुप मम्मी, मम्मी का कॉल आ रहा है। मम्मी का? चुप चुप। मम्मी जी को मेरा प्रणाम बोल, ठीक है? हाँ मम्मी प्रणाम। खुश हो बेटा? प्रणाम मम्मी। हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है बिल्कुल। हाँ सब ठीक है ना? हाँ मम्मी यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ फटी पड़ी है और तेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ? सफाई भी रखना है। हाँ क्या बात कर रहा है तू? नहा भी रहा है? हाँ मम्मी कुछ भी बोलते रहता है। अरे मम्मी आपको तो पता है आपका बेटा दिन में दो बार नहाता है। दो बार नहाता है? हाँ। सैंडस करके पानी डालने को नहीं है? हाँ हाँ। मैं साला दो दिन से नहाया ही नहीं। अच्छे से तो नहा रहा है ना? दो बार मम्मी नहाऊंगा नहीं तो आपका बेटा हीरो कैसे लगेगा? खाना खाता है ना टाइम से? अरे अभी जस्ट खाना खा के निकला हूँ। खाना भी खाया? अरे वो दोस्त का बर्थडे था ना, उसने बनाया था चिकन, चावल, रोटी, हाँ सलाद भी था। सलाद भी था? हाँ। तू मुझे बुलाया भी नहीं, तू अकेला अकेला खाना खा के आ गया? अरे इतना खा लिया हूँ कि अब सही से चला नहीं जा रहा है। अरे हाँ मुझे भी तो चला नहीं जा रहा है। हाँ पैसे भेजू क्या? अरे नहीं मम्मी, पैसे की जरूरत होगी तो बता दूंगा आपको। हाँ जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। माँ जूता लाएंगे, पैसा ले ले, अपने चार्ज कर जाएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा लाएंगे। अरे तू ले ले पैसा, पैसा ले, मांग ले मांग ले, पैसा काम पे आएगा, खाना खाएंगे। अरे क्यों बड़बड़ कर रहा है साले, मम्मी से बात कर रहा हूँ ना। पैसा ले ले खाना खाएंगे। चुप बे चुप। हाँ ये हल्ला कैसा हो रहा है? अरे कुछ नहीं मम्मी, एक भिखारी है, कब से साला परेशान किया जा रहा है। अरे मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ। अच्छा इसको इसको कुछ दे दूँ? भिखारी हाँ क्या देने को बोले? ठीक है मम्मी देता हूँ। हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी पापा कैसे हैं? वो ठीक हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा बात कराइए ना। लीजिए बेटे से बात कर लीजिए। हेलो। हाँ पापा प्रणाम। खुश रहो, ठीक हो? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनिए ना पापा थोड़ा सा काम आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा प्रणाम। खुश रहो। साला तू मुझे भिखारी बना दिया। चलो चलते हैं।
क्या साला तू मुझे भिखारी बना दिया। अरे तू कितना झूठ बोलता है यार, हद हो गए यार। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और तू क्या चाहता है मैं बता दूं सच्चाई? बता दूं कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, 4 दिन से नहाया नहीं। अरे यार मैं परेशानी झेल रहा हूं, तो घर वालों को परेशानी में क्यों डालूं? यार मेरी मम्मी बहुत ज्यादा चिंता करती, अगर वो जान गई ना कि मैं इतना परेशानी झेल रहा हूं तो घर बुला लेगी मुझे, और फिर क्या होगा? हम दोनों ने जो इतनी सारी मेहनत की है बेकार हो जाएगी ना। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम दोनों ने कितनी मेहनत की है, हाँ। और आगे भी करेंगे, छोटी मोटी तकलीफ होगी सहन कर लेंगे। और रही बात झूठ बोलने की ना दोस्त, अगर 15 मिनट झूठ बोलने से मेरी माँ दिन भर खुश रहती है तो इसमें गलत क्या है? मैं ऐसा झूठ मैं डेली बोलूंगा। अच्छा ये बता कि तेरे घर से कभी कॉल नहीं आता? मेरे घर पे से तो फोन आता है। मेरे मम्मी ने क्या बोला है मालूम है? क्या बोले है? बेटा मुंबई गए हो, जब तक कुछ बड़ा कर नहीं लेते हो तब तक घर वापस मत आना। और मैं भी बोला कभी वापस नहीं आऊंगा जब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाता। बिल्कुल दोस्त, एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेंगे। हाँ जरूर कुछ करेंगे।